आप सभी लोगों को हमारा बहुत बहुत राम राम और आशीर्वाद। तो आप सोच रहे हैं कि ये कौन है? हमने सोचा सब लोग यहाँ आज बन रहे हैं तो हम भी बन जाएं आज। तो हम कौन है? हम हैं जो आपकी वो होस्ट दोस्त शालिनी, उसकी दादी। तो हम हैं आपकी दादी आरजे हैं। तो क्या करें, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने सोचा हम आए कुछ बात करें आपके साथ, कुछ मनोरंजन करें आपका। सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत सर्दी पड़ रही है। आप लोग अपना ध्यान तो रख रहे हैं ना, कपड़े अपने अच्छे पहन के रखना ना। बाहर ऐसे बाहर निकले तो कानों में टोपी लगाएं, दस्ताने पहने, मोजे पहने, जुराबे पहने, ऐसे नहीं जाना बिना कपड़े पहने। आजकल के बच्चे तो बाबा कुछ सुनते ही नहीं। तो ये जो सर्दी है और रजाई, इसका बहुत बड़ा नाता है भाई। कुछ लाइनें हमने लिखी हैं रजाई के ऊपर, सुनना बेटा आप लोग, पसंद आए तो। हाँ, तमाम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के बीच में हमारी छोटी सी लोकल समस्या है कि सारी रात गुजर जाती है इसी कशमकश में। सारी रात गुजर जाती है इसी कशमकश में कि ये हवा कहाँ से घुस जाती है हमारी रजाई में। हाँ भाई, कुछ दादा दुआ दीजिए, वाह वाह करिए। एक और सुनिए। मत ढूंढो इस दुनिया की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, ठंड बहुत है मैं यही हूँ अपनी रजाई में। वाह 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 वाह। तो आपसे अलविदा लेने के पहले बच्चों, आप सब बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही पसंद है हमको। तो जाने के पहले एक बहुत पते की बात आपको बताना चाहती हूँ मैं। बहुत ही हमारे अनुभव से हमने ज्ञात किया है कि इस बरसाती ठंड के मौसम में रजाई के अंदर रहना ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है बेटा। और अगर टमाटर की चटनी के साथ पकोड़े और चाय मिल जाए तो भाई मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इस ठंड के मौसम में। तो ध्यान रखो, कुछ अपनी दादी का चाय पिलाओ, कुछ पकोड़े वगैरह खिलाओ, तुमको मोक्ष मिल जाएगा। तो अगली बार तुमसे हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी है। तब तक अपना ध्यान रखो, कुछ मोजे टोपी पहन के रखना सर्दी के मौसम में, और हमारी तुम्हारी दादी आरजे का बहुत बहुत नमस्कार और प्यार आप सभी लोगों को।